नमस्कार, मैं चंदन कुमार। चलिए नजर डालते हैं बिहार के कुछ मुख्य खबरों पे। सबसे पहले कोरोना अपडेट। बिहार में कुल 149 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 3185 हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना से मरने वालों की संख्या बिहार में 16 पहुंच चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 1050 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत ऐसे प्रवासी मजदूर जिनको की बैंक खाता न होने की वजह से उनको ये योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, उनके लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ऐसे मजदूरों का अकाउंट खुलवाएगी और उसके बाद उनके अकाउंट में ये राशि जो है मुहैया कराएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत ऐसे मजदूर जो कि बिहार के थे और किसी अन्य राज्य में फंसे हुए थे, उनको इस योजना के तहत 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी। अगली खबर राहत देने वाली है। आपको बता दें कि 5,80,000 से ज्यादा ऐसे प्रवासी मजदूर जो कि अन्य राज्यों से बिहार लौटे थे, अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके घर लौट चुके हैं। आपको बता दें कि ये सारे लोग स्वस्थ हैं और ऐसे लोगों को भी बिहार सरकार मदद पहुंचाने जा रही। आपको बता दें कि ऐसे प्रवासी मजदूर जो कि बिहार लौटे हैं, उनके आने जाने के किराए के अलावे 500 रुपए की रकम दी जाएगी। आपको बता दें कि ये जो राशि है न्यूनतम 1000 रुपए होगी। गोपालगंज तेहरे हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे को गिरफ्तारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ गोपालगंज कूच कर सकते हैं। वहीं उनके स्वागत में और लॉकडाउन नियमों को पालन कराने के लिए बिहार पुलिस पहले से ही तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें से प्रमुख फैसला रहा पटना हाई कोर्ट में 397 सहायक की भर्ती की जाएगी। इसके अलावे परिवहन विभाग में 169 लिपिक की भर्ती होगी। तो ये कुछ आज की बड़ी खबरें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ख्याल रखें और बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। सब्सक्राइब कीजिए बिहार डेलीकेशन यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।